Hello everyone, this is Dr. Gladiator here and we are back in GTA 5 today, and today I want to show you the collection that we have got, that is the collection of the new cars. हमारे पीछे हैं इस नए अपडेट की सारी गाड़ियाँ, एंड एक एक करके हम इन सारी की सारी गाड़ी को करेंगे कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू वॉट आई फील इज यू नो माई डिजाइन लैंग्वेज. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट अस स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट कस्टमाइजेशन ऑफ द कार विच इज गोना बी दिस वन द मेन कार ऑफ द अपडेट. दैट इज एटलीस्ट हाउ आई फील लाइक बिकॉज रॉक स्टार हैज यू नो फ्लॉन्ट दिस कार क्वाइट अ लॉट. सो इट इज द बोलोकान एनविसाज. एंड कितने की है ये, लेट अस सी. लेजेंडरी पे हमें मिलेगी एंड ये हमें मिलेगी कितने की, इट इज राइट हेयर 2.5 मिलियन. एनविसाज, क्या एनविसाज ही बोलेंगे ना इसको. फिर ये बोलोकान का ये लोगो कैसा है, ये वॉट इज दिस. खैर, सो यहाँ पे लिखा हुआ है इमानी टेक अपग्रेड इज अवेलेबल. राइट, बेसिकली दिस कार इज बेस्ड ऑन द हुंडई विजन N75, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, या एन विजन 75 ऐसे करके नाम है उस गाड़ी का, आई एम फॉरगेटिंग, विच इज बेसिकली इलेक्ट्रिक कम हाइड्रोजन कार. राइट, सो यू कैन सी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पीछे उन्होंने सिलेंडर दिए हुए हैं, एंड अगर आप जाके चेक करो यू नो ऑन द साइड ऑफ हुंडई, सो यू कैन सी कि एक्चुअली उन्होंने एक फोटो ऊपर से दे रखा है. इट इज़ अ डायगनल शॉट फ्रॉम ऊपर से, आप यहाँ ऐसे साइड इस साइड से शॉट है वन, यू कैन सी द सिलेंडर्स इन द रियल वन, एंड जस्ट लाइक यहाँ पे भी ऐसे दिखा रखा है. सो 2.5 मिलियन फॉर दिस एंड इमानी टेक अपग्रेड इज अवेलेबल. सो लेट्स सी हाउ इज इट गोना बी. अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी को चला के लेके जाएंगे टू द ऑटो शॉप, और वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को करेंगे कस्टमाइज. यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन वही है, कुछ कुछ पेंट्स हैं जो यहाँ पे खुले हुए नहीं है, एंड आई वॉन्ट इट ऑल. सो नाइस नाइस, ये डोर का पैनल देख, यू कैन, ओके आई विल बी क्वाइट. सुनना, यू कैन हियर द इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन सेल बोथ. हाउ इज इंटीरियर, ओके सो नॉर्मल इंटीरियर है, नथिंग टू यू नो फ्लैशी. यू कैन सी द हाइड्रोजन का ये जो सिलेंडर्स थे. इंटीरियर्स तो ऐसे ही हैं. ओके सो नाउ लेट्स गो आउट, यहाँ से चलते हैं अब हम लोग सीधे सीधे अपनी ऑटो शॉप पर. ओके सो हियर वी आर. जितना मैंने गाड़ी अभी चला के लेके आया था, तो उसके अंदर इट साउंडेड लाइक शिवाल की सर्ज करके गेम में कार. राइट, तो उसकी तरह है, आई कैन नॉट गेट ओवर द बालकान लोगो. ओके नाउ लेट्स कस्टमाइज द कार, एंड एज ऑलवेज आई विल ट्राई टू बी एज क्लोज टू द रियल कार एज पॉसिबल, जो मैंने जो देखी है फोटोज उसके हिसाब से. थोड़ा बहुत आई मेड चेंज, बट वी विल सी. बॉडी ट्रिम कार्बन, ओ अच्छा, क्या क्या नीचे, अच्छा तो बेसिकली ये सामने वाला एरिया हो रहा है, नीचे का नहीं हो रहा, एंड ये साइड का स्कर्ट का एरिया हो रहा है, ये जो ब्लैक बीच में ये वेंट ये भी हो रहा है, और पीछे की तरफ का ये भी हो रहा है. लाइक हाँ जी, ऐसे आपको और आसानी से दिखा पाऊंगा मैं. हाँ, यू कैन सी क्या क्या हो रहा है. राइट, सो डेफिनेटली लेट्स गो कार्बन ऑन दिस. ब्रेक्स कनाज, ओके कार्बन फोर्स कार्बन मुझे अच्छा नहीं लगता. कनाड्स डेफिनेटली सूट द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ द कार. थोड़ी कार लंबी है, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एरिया इन द कैमरा. फेंडर्स, ओके ट्रिम्ड, अच्छा ये हट जाएगा ट्रिम में. दिस ऑल्सो लुक्स गुड, यहाँ पे बोलोकान लोगो आ जाता है. ओके कार्बन फोर्ज्ड, कार्बन फेंडर्स. सो देखो, मुझे तो ऐसा भी अच्छा लग रहा है फ्रैंकली, लेकिन ये पीछे से ना फिर से टायर ऐसे दिखा रहा है, तो आई देखो शायद से रियल वन इज गोना बी लाइक दिस, या बट वी कैन गो लाइक दिस इफ यू वांट टू. इसमें कनेक्ट पर चलो छोड़, लेट्स लीव इट स्टॉक ओनली. यप, लेट्स लीव इट स्टॉक, बाद में हम आके देखेंगे कि अगर हमें ये ऐसे करना है, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में लग रहा है. जैसे कि आप देखो यहाँ से भी उठ रहा है, फिर यहाँ से भी उठ रहा है, तो ऐसे यहाँ से भी उठेगा, तो और प्लस आगे की तरफ से ब्लैक वाली ये जो लाइन जा रही है इसकी फेंडर के आगे, तो अच्छा लगेगा थोड़ा, मतलब फ्रंट टायर के आगे, तो ये थोड़ा मैच हो रहा है कंपेरेटिव टू दिस.
लाइन तो खैर इसमें भी जा रही है, पर एक ब्लैक ब्लैक मैच हो रहा है, तो देखते हैं बाद में फ्रंट बम्पर की प्लास्टिक लिप एंड सेकेंडरी लिप, बट वी डोंट हैव अ कार्बन लिप। चलो एक काम करते हैं, लेट मी पेंट द कार फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? बहुत सारे हैं जिसमें आप कर सकते हो, बट आई थिंक आई एम गोना पेंट द कार इन डार्क स्टील और सिल्वर। ब्लू सिल्वर थोड़ा ज़्यादा सिल्वरी है मेरे मेरे हिसाब से, तो डार्क स्टील लुक्स नाइस, स्टोन सिल्वर ऑल्सो लुक्स गुड, सो डज मिड नाइट, कास्ट आयरन रेड। आप बहुत सारी बिल्ड में जा सकते हो, रेड रेड में आप जा सकते हो, लेकिन एज आई सेड इस कार की डिजाइन लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत लाउड है, आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट मोर लाउडर देन इट ऑलरेडी इज ना। ओके लेट्स गो विद सिल्वर पर्लसन, कैमेलियन में भी देखें क्या, ओके कार्बन पे कलर नहीं आ रहा, ओके दैट्स नाइस दैट्स गुड, एनोडाइज ब्लू, ओके आई एम लाइकिंग द एनोडाइज ब्लू अ लिटिल बिट, बट ये वाली थोड़ी ज्यादा वो लग गई, क्या बोलते हैं जैसे एक्चुअली जैसे कार थी मेटल्स में। ओके ओके वी कैन इवन गो विद ब्रश एल्युमिनियम राइट, ओ लेट्स गो विद ब्रश व्हाई नॉट। के बैक सेकेंडरी में क्या क्या है, क्रोम को देख रहा हूँ मैं, सेकेंडरी में क्या क्या है हमारा, ये फ्रंट वाला ये, अच्छा नीचे ये कुछ, अब यार मुझे नहीं पता जो भी कहते हैं इसको, ये भी जा रहा है, ओके बैक लाइट वाला पार्ट एंड एनीथिंग एल्स इंटीरियर में कुछ, ओप नथिंग, ओके सो आई थिंक यू गोना मैच इट, शुड वी मैच इट या इसको ब्लैक रखें, हमने ये करा है शायद से ना, ओके आई थिंक कि इसको मैच मैच की जरूरत नहीं, इसको अलग ही रखते हैं, इसको मैच करते हैं हमारे इससे। दिस लुक्स गुड, या फिर हम चाहें तो उसको वैसे ब्लैक भी कर सकते हैं, वी फील लाइक कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है अगर ये, तो लाइक इसको ब्लैक करते हैं, बैक नाउ लेट्स गो, वी वर एट द कनाच, हो गया इंजन हो गया था, वी वर एट द फेंडर्स ट्रिम्ड ब्लैक, ओके थोड़ा ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, फ्रंट बम्पर कंटिन्यूएशन, पर ये ओके ना उसको करते हैं, सेकेंडरी करते हैं इसको, चलो हुड एक्सेसरीज लैचेस, मैंने कुछ फोटो में देखा है जिसमें इसमें लैचेस थे, बट आई डोंट फील लाइक कि लैच सूट द का, नाइस प्लास्टिक फिंस फोर्स कार्बन, आई लाइक द फिंस, हुड ऑफसेट एयर, अच्छा बीच में ये भी ऑफसेट एयर इनटेक भी है साथ में, ये भी आ जाता है, नाइस सिंगल वेंटेड रेस हुड कार्बन स्कूप इंडक्शन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसके हिसाब से, जीटी हुड क्या, लाइक द जीटी हुड टू, जीटी हुड इसके ना ये जो लाइंस जा रही हैं, लाइक ये जो लाइंस जा रही हैं हुड पे, देखा शूटिंग ऑल ओवर कार का जो लाइंस जा रही है, तो लेट्स गो विद जीटी हुड, हॉर्न हॉर्न कैसा है इसका, सादा हॉर्न है, लाइट जीनॉन्स लिवरी ओके वाइट तो दिखेगा नहीं सही से, ब्लैक दिखेगा इस पे विद एरो एंड स्टफ, वाइट ऐसा ऐसा नहीं दिखेगा, आई लाइक दिस अच्छा लग रहा है, यहाँ पे है पीछे तो नहीं है साइड में है, और थोड़ा फेंडर्स पे है आगे और इधर की तरफ, ओके आप लोग देख लो, ट्राइबल डेंस अच्छी लग रही है ये जो भी है, आई डोंट नो के टेक
अरे ये तो मैंने टेक वालों को ना ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे ये भी बना हुआ है के आई थिंक आई एम गोना गो विद टेक पोलोकॉन स्ट्राइप्स देन। एक चीज़ और है कि जो रियल जो मैंने कार की जो फोटो देखी है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रायंगल और सर्कल बना हुआ है ना वहाँ पे 75 लिखा हुआ था। सो 74 आई मीन। बाय द वे आई हर्ड यार रॉकस्टार फिक्स द प्लेट्स। गुड आई हर्ड कि रॉकस्टार ने प्लेट फिक्स कर दी है। ये आई थिंक आई विल विद दिस वन शुड गो विद ब्लू। लेकिन ब्लू अलग ही दिखेगा छोड़ो वाइट एज ऑलवेज। इसमें अब क्या जाएगा एक जेडीएम प्लेट बनाऊंगा। काम करते हैं इसमें वैसे ही इंस्टॉल देते हैं अभी। अरे नहीं यार प्लेट ही होगा अभी। रीस्प्रे हमारा हो गया है। सेकेंडरी हम एक बार और देख लेते हैं कि सेकेंडरी हमें क्या रखना है। मेटल में था ना हमारा। हाँ ये था। ओके सेकेंडरी हो गया हमारा। ट्रिम हमने सेम ब्लैक में हमने डिसाइड करा ये था। रूफ प्राइमरी कार्बन एंड फोर्ज नॉर्मली इट्स प्लास्टिक तो लेट्स गो विद कार्बन। इट्स गोना ये कार्बन कार्बन सारा वो करेगा। अच्छा स्प्लिटर के ऑप्शन है कार्बन लिप। अच्छा लाइक यू कैन सी नीचे की तरफ ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। नाइस फोर्ज्ड आई डोंट लाइक दिस स्ट्रट्स। आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस देन। स्पॉइलर ओके लेट्स सी। देखो यहाँ ट्रैक्शन दिखा तो फुल रहा है और ये वाला जो स्पॉइलर है दिस इज प्रिटी क्लोज टू द रियल कार। सो लेट अस सी। ओह नाइस डकटेल लुक्स गुड। यार ये कैसा है ये थोड़ा अजीब सा ही पड़ रहा है ये पता है। ओके ये कहाँ 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 चढ़ा रखा है भाई इसको। ये क्या है व्हाट इज दिस। यार मुझे स्टॉक वाला सबसे अच्छा लग रहा है लेकिन जस्ट एट एन ऑफ चांस की ट्रैक्शन अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा हो बिकॉज एक्चुअली एक्टिव एरो स्पॉयलर्स में फर्क नहीं पड़ता इन गेम लेकिन इनमें फर्क पड़ता है। अगर एक्टिव एरो स्पॉयलर है तो फिर वो जब स्पॉयलर ऊपर आएगा तो ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो आप स्टॉक भी रख सकते हो। इट विल वर्क लाइक यू हैव पुट स्पॉयलर लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता स्टेबल यूजली। तो आई थिंक आई एम ईदर गोना गो विद दिस और दिस। आई थिंक दिस वन सूट्स द कार मोर। सनस्ट्रिप इफ यू वांट प्लास्टिक। फुकरू फुकरू माई मार्क ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सस्पेंशन ओके डेफिनेटली वी आर गोना लोअर दिस या फार बेटर। तो हल्का सा कैम्बर भी ऐड हो जाता है। व्हील्स आई थिंक आई एम गोना कीप द व्हील स्टॉक। लाइक क्या क्या लिखा हुआ है। रीइंफोर्स्ड कार्बन फाइबर प्लस एलुमिनियम अलॉय फोर व्हील रोटेशन सिस्टम। अच्छा मतलब जो भी ये डिज़ाइन ये अलग से अच्छा लग रहा है तो आई थिंक आई एम गोना कीप इट लाइक दिस ओनली। बस एनहांसमेंट में बुलेट प्रूफ उसके अलावा तो और कुछ आप कर नहीं सकते। नाउ विंडोज ये पीछे की पूरी ब्लैकआउट हो गई। ओके थोड़ा सा तो वो करूँगा यार। ओके नाउ वी आर डन। एक बारी बस अब मेरे को रिलीज स्प्रे और देखना है कि ब्लू भी मेरे को दरअसल ना अच्छा लग रहा था थोड़ा। ओके पर्पल लिवरी बलोकान टेक इज जस्ट इन वाइट राइट। ओके सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू। तो ब्लैक नहीं है। अगर होता तो फिर आई माइट हैव गोना गो विद द एनराइज ब्लू पर्ल या फिर पर्पल ग्रीन फ्लिप। बट सिंस वाइट वाइट ब्लैक वाइट ब्लू बहुत सारा हो जाएगा तो आई थिंक आई एम गोना कीप इट वाइट देन राइट। पीछे
पीछे का भी ऐसा चेंज हो ही जाएगा, चलो करके देखते हैं। सेकेंडरी चलो ये करता, कोई नहीं, दिस कार इज प्रीटी लाउड इन इटसेल्फ, लेट्स गो लाउड। सो वी हैव नाउ गॉट थ्री कलर्स ऑन द कार, ब्लैक, व्हाइट एंड द ब्लू। लेट्स गो, आई लाइक द वे द कार लुक्स। एक जापान के नाम से करूंगा। Here is the car. This car is by no means, you know, supposed to be a car that has got quiet design. It is a very loud car in its design. So there it is. Let's go out. So before we go about this car, अभी जब मैं इसको चला के लेके आया था, तो it definitely needed a bit more speed, but downforce felt normal. Like normal से थोड़ा ज़्यादा था, पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था. So let's see how is it now. Oh, nice. चलो ओके। अच्छा नीचे रेड कलर का ये है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देख सी नीचे रेड कलर का ही आपके पास में लाइट है, काफी सारी लाइट्स हैं। शायद नीचे वाली भी लाइट चलती है क्या? हाँ ये गैस की आवाज में भूल ही जाता हूँ। देखो पिकअप मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन तो थोड़ा स्लो है, इनिशियल एक्सेलरेशन स्लो है इसका, बट इट हैंडल्स नाइसली इनफ। ओ हैंडल्स नाइसली इनफ, वहां तो ऑब्वियसली नहीं तेज आऊंगा, तो वही एक ये क्या था, ये क्या हैंडलिंग है, दैट्स अ डिफरेंट। Let's take इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी अलग सी है, लाइक इट हैंडल्स अ बिट बेटर देन अदर कार्स। हाई स्पीड पे थोड़ा सा इसका बेटर सा टर्निंग है इसका फॉर सम रीजन। ओके हाँ लेक्सी कितने आराम से ले लिया इसने, या लेक्सी लेक्सी ओके थोड़ी सी अलग सी इसकी है हैंडलिंग, लाइक ऑन हायर स्पीड्स एंड प्लेनर सरफेसेस इसका जो टर्निंग रेडियस है बहुत कम है, एंड इट देयर इज नो अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर। राइट राइट सी, अरे बाप रे मैंने मिस्टेक करी वहां पे, मैं कोई और गाड़ी होती तो मैं घुस जाता उस गाड़ी में, पर ये वाली गाड़ी के साथ में था तो नहीं घुसे। सो नाउ लेट्स गो, लेट्स गो इनसाइड एज वेल। लॉन्च ओके, डेफिनेटली एक्सेलरेशन होता है इसका कर्ब पे, इरेगुलरिटीज पे। सीम्स लाइक कि वैसे 120 के आसपास करेगा ये नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस। ओके सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो इनसाइड द एलएस कार्नी ट्रैक, एंड वहां पे हम एक बार इसका टाइम लेंगे, एंड आई विल टेल यू माय व्यू ऑन द हैंडलिंग ऑफ द कार इन द ट्रैक, बिकॉज़ वहां पे सरफेस प्लेन है तो इस वजह से ऊबड़ खाबड़ नहीं, तो गाड़ी अच्छे से कंट्रोल होती है। सो लेट्स गो इनसाइड, द कार लुक्स रैविशिंग। ओके सो हियर वी आर, lights are good enough, let's come meet time trial। ek cyberpunk vibe hai is gaadi ki। chalo now let's start with the time trial and I'll see you guys in the next lap।
वी आर थोड़ा स्लो टाइम निकाल पाया बिकॉज उस गाड़ी की हैंडलिंग की आदत नहीं थी मेरे को, तो इसकी वजह से एक दो बारी मेरे से लिटरली टर्न हाई मिस हो गए जो हाई स्पीड वाले थे, बिकॉज गाड़ी इतने अच्छे से मुड़ी ना उसमें। तो एक तो इसके एंड वाले ही है जो मेरे से मिस हो गया था। ब्रेक्स कुड हैव बीन अ बिट बेटर, एक्सेलरेशन कोई बहुत खास नहीं है, बट वंस इट गेट्स गोइंग इट हैंडल्स नाइसली, लाइक यू कैन सी। एंड 58, सो समवेयर अराउंड 57 सेकेंड्स के आसपास आप मान के चलो कि ये वाली गाड़ी हमें निकाल के देगी इस वाले ट्रैक के ऊपर, है ना। तो नाउ लेट्स गो। अरे हाँ एक चीज़ और है, आई फॉरगॉट वन थिंग कि वी हैव गॉट इमानी टेक इन दिस कार, तो लेट्स गो टू द इमानी टेक अपग्रेड्स के लिए एंड वहाँ पे देखते हैं कि इस गाड़ी में एक्चुअली इमानी टेक अपग्रेड के अंदर है क्या क्या। सो नाउ आई सी यू गाइस एट द एजेंसी, देन वी आर गोना गो फॉर द रेस एंड देन वी आर गोना गो फॉर द LSI एंड वहाँ पे हमें पता पड़ जाएगा कि वॉट आर आर थाट्स अबाउट द कार। लेट्स सी, बॉडी आर्मर, ट्रिम, ब्रेक कनास, इंजन, फेंडर्स, बम्पर्स, हुड, हुड हॉर्न, इमानी टेक। सो बेसिक वही बेस, मिसाइल लॉक ऑन जैमर और रिमोट कंट्रोल यूनिट। आई थिंक आई एम गोना गो विद द जैमर। देन लिवरी हो गया ये, और कुछ प्रॉक्सिमिटी माइन का ऑप्शन है आपके पास स्लिक क्या, कोई भी आपको अगर माइन लेनी है तो यू कैन यूज दैट एंड रूफ एंड स्प्लिटर्स एंड नथिंग एल्स। सो देर इज नो आर्मर ट्रिम फॉर दिस एंड अमानी टेक। ओके सो लेट्स गो। नाउ लेट्स लॉन्च द रेस। अभी हम करेंगे रेस, राइट। सो इसके अंदर अब वी आर गोना चूज पोच या करंट तो नहीं, क्लिप ब्राइट रखना है हमें। टाइम ऑफ डे इज आफ्टरनून, ट्रैफिक ऑफ, SSW इनेबल्ड, कंफर्म सेटिंग्स एंड नाउ प्ले। सो बेसिकली इस वाली रेस के अंदर हमारा जो पूरा एलमो सी है उसके आसपास 360 पूरा 360 हम घूम के आएंगे। तो इसमें ये देर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेट्स एंड लॉट्स ऑफ कर्व्स एंड ऑफ रोडिंग वाला सेक्शन भी है, तो यू वील हैव अ बेटर आइडिया कि अच्छा भाई हाउ द कार इज परफॉर्मिंग। बेंचमार्क हमने पहले सेट किया ही हुआ है ऑफ रोडिंग वाली कार्स का, वाय द ऑडी वन एंड द लांसिया वन, सो वी कैन चेक दैट आउट एज वेल। उसका टाइम मैं आपको बता दूंगा बाय इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड द रेस, आई मीन नॉट द वीडियो बट द रेस। राउंड टू भी शुरू किया जा सकता था, लेकिन पहली बात तो स्प्रिंट है, उसका रीजन हमने ये रखा है क्योंकि वी ऑल्सो वॉन्ट टू पुट एवरीथिंग, टॉप स्पीड भी है, एक्सेलरेशन भी है, कॉर्नरिंग भी है, हैंडलिंग भी है, ऑफ रोड केपेबिलिटी सब कुछ हम इस वाले ट्रैक पे गाड़ी का चेक कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम सिर्फ हैंडलिंग नहीं देख रहे हैं, ऑल ओवर हम गाड़ी देख रहे हैं, जैसे कि LS कार मीट में हम सिर्फ गाड़ी की टॉप स्पीड हैंडलिंग देख रहे थे, यहाँ वी विल सी एवरी थिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करा है, बिकॉज गाड़ी का एक्सेलरेशन विल ऑल्सो प्ले अ रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। सो हम पूरा ऐसे 360 ऐसे घूमते हुए ऐसे आएंगे हम यहाँ से, और देन वी विल कम बैक एंड जहाँ से हमने शुरू करा है दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट स्प्रिंट, तो वो खत्म होगा। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ अ टाइम दिस कार कैन पुट। यार टॉप स्पीड इस गाड़ी की लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, टॉप स्पीड अच्छी नहीं है इसकी यार, लाइक 110 115 के आसपास कर रही होगी ये। ऊबड़ खाबड़ सर्फेसिस पे 125 तक जा रही थी, लेकिन जहाँ प्लेन है बिल्कुल वहां पे कम स्पीड है इसकी। बाकी लेट्स सी कि, और वैसे हैंडलिंग अच्छी है इसकी जितना आई कैन टेल यू गाइस राइट नाउ, लेकिन मतलब जितना आई आई कैन टेल यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो मैंने अभी से सिटी में जो टेस्ट किया था, अभी यहाँ पे देखेंगे ऑफ रोड में कि कितने अच्छे से हैंडल होती है ये। आई थिंक बिकॉज वी हैव स्लैम्ड द सस्पेंशन, बिकॉज ऑफ दैट द कार डज नॉट लाइक द ऑफ रोड बिट्स एट ऑल।
चलो ब्रेक्स आर फाइन, नॉट बट दे मतलब नॉट दैट गुड। 2.5 मिलियन की कार है, उस हिसाब से कुछ तो और बढ़िया होता। डोंट स्लैम, काइंड ऑफ स्लैम, आई मीन आई स्लैम। लेट्स गो। भाई देखो, अब देखो ये वाला जो ट्रैक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगे कुछ लोगों को ना अच्छा लगे। ये वाला ट्रैक मैंने बनाया है अपने आप टू द बेस्ट ऑफ व्हाट आई कुड हैव थॉट कि अच्छा भाई मुझे जो कार टेस्ट करनी है, ऑफ रोडिंग टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, यू नो एवरीथिंग, वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से सो आई ऑल्सो दैट यू गाइज ऑल्सो लाइक द ट्रैक लिटल बिट वाइड। सही में यार इसमें इस वाली में HSW होता तो मजा आ जाता। लाइक देखते कितना आवाज, लाइक सी एक्सेलरेशन इज नॉट दैट गुड, टॉप स्पीड इज नॉट दैट गो मच, बट हैंडलिंग इज फाइन। सो कितनी देर लगी हमें करने में इसको, 3 मिनट 16 मान लेते हैं इसको। चलो हम लोग सो लेट अस टॉक अबाउट द कार, और टॉक अबाउट द कार से पहले एक बार ही देखते हैं गाड़ी को साइड में रोके कि व्हाट ऑल ओपन सब। रजिस्टर बॉस, इट्स इन व्हीकल प्रेफरेंसेस, जाता है ना बार बार। मैनेज व्हीकल्स, वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं भाई। बेल ऑफिस ट्रांसपोर्टर, अच्छा यहाँ से आता है मैनेज व्हीकल से, ये मैं कल ढूंढ रहा था इसको। व्हीकल प्रेफरेंसेस, व्हीकल डोर ऑल ओके, सो एवरीथिंग ओपन्स अप। हियर इज द हाइड्रोजन मोटर, फ्यूल सेल मतलब, सॉरी। ओके नाइस, इंटीरियर्स तो हैं ही हैं ठीक कॉन्सेप्ट कार के हिसाब से, एंड द टू सिलेंडर्स जो मैंने बताया था आपको, राइट। सो देयर दे आर। सो रिगार्डिंग द कार गाइस, देखो ऑल इन ऑल आई टेल यू व्हाट, एक तो बैकग्राउंड देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो रिगार्डिंग द कार आई टेल यू व्हाट, देखो दिस कार हमें ये पड़ी समवेयर अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन, उसके बाद में वी पेड अराउंड 4 के आसपास फॉर द मानी टेक प्लस अदर थिंग्स। तो दिस कार इज गोना कॉस्ट यू अराउंड 3.2 मिलियन के आसपास, व्हिच इज नॉट चीप बाय एनी मीन्स और एनी स्टैंडर्ड इन GTA और वैसे भी। सो इज दिस कार वर्थ इट, फ्रैंकली देखो वर्थ इट अगर ये तब होती कि अगर दिस कार वुड हैव बीन पॉसिबल टू यू नो कम्पीट अगेंस्ट द लाकोरियस, विच आई डोंट थिंक सो इट कैन, बिकॉज लाकोरियस ऑल्सो टर्न्स वेरी नाइसली एंड, बट द थिंग इज दैट दैट कार हैज व्हाट दिस कार डज नॉट, विच इज अ वेरी हाई टॉप स्पीड एंड यू नो अ बेटर एक्सेलरेशन, दिस कार लैक्स दैट। सो एनी और हैंडलिंग उस गाड़ी की भी अच्छी, उस गाड़ी की भी हैंडलिंग कोई बुरी नहीं है, तो कैन इट बीट द लाकोरियस, आई डोंट थिंक सो। बट इफ यू लाइक द वे दिस कार लुक्स, राइट, like here the car is, if you like the way this car looks then surely go ahead, it is one of the nicer cars to have at that price. Koi handling mein mere ko koi aise flags to nahi lage bhai. So all in all, is should you guys spend 3 million plus on this car? I don't think so, if you want performance out of it. But if you like the way the car looks, then if you like something the way they look or the way that thing looks, then I mean, then you cannot, you know, measure that in money. You like it, you get it. Simple as that. So guys, I hope that you guys like the video. If you guys did like the video, then please let me know in the comments. And like, apne ye wali video ko apne family and friends ke saath mein zarur share karna. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care everyone.